एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हेलो हेलो, इतने खामोश क्यों? कुछ तो बोलो ना। अरे भटकते पागल खाने, तेरे पागलपन को झेलने के अलावा मेरे पास और भी काम है। मिलना है मुझसे? तो अब तक क्या मैं तमिल में बात कर रहा था? तो मैं जहां बुलाऊं वहां आना पड़ेगा। अरे चल चल, तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे सामने आकर बात करने में। लेकिन थोड़ी शर्म आ रही है ना, ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए। इतना क्यों सोच रहे हो? मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। गांधीनगर के नाना नानी पार्क में मिलेंगे बराबर 11 बजे। अरे तू जहां बोले उस नर्क में आऊंगा भैंस की बच्ची। लेकिन कमी नहीं, तेरे को पहचानूंगा कैसे? मैंने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बाय। देखो डोंट वरी, मैं सारी अरेंजमेंट्स रोज लेकिन रोज रोज लुक एट हिम, हू इज दिस? क्या तुम रोज हो? ये क्या छेड़ने का नया तरीका है? स्टुपिड, ये पकड़। रोज What? वहां पे है बहुत सारे, लेकिन बगीचे में फूल तोड़ना मना है। क्या? हाँ, गुलाबों के बारे में पूछ रहे थे ना तुम। नहीं नहीं, मैं अपनी क्लासमेट रोज को ढूंढ रहा हूँ। और क्लासमेट का चेहरा याद नहीं है? ये तरकीब किसी और पर चलाना, बहुत देखे तुम जैसे। नहीं नहीं सॉरी मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखो जल्दी भागो यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, शक्ल बिगड़ सकती है। ए, इधर आओ। तुमने बुलाया मुझे? हाँ देखा मैंने, इसलिए तो बुलाया। क्या चाहिए तुम्हें? ये सब पैसे के लिए कर रहे हो ना तुम? हाँ, तुम कितना दोगे? एक पैसा नहीं। ये तो मुमकिन नहीं है ना, चाहिए तो कुछ कम ज्यादा कर सकती हूँ, पर कुछ तो देना पड़ेगा ना। मेरे बापू के साथ क्या पेश लड़ा है तुमने? बहुत सताया उनको। तो वो कल वाले अंकल तुम्हारे बापू थे? पर आदमी कला का कदरदान था, 5,000 रुपए दे गया। चलो, अरे अरे चलो चलो, एक ऐसा होटल है जहाँ पे पुलिस की झंझट ही नहीं है। तो तुम रोज? रोज आ जाऊंगी, बस तुम जगह बता दो। अरे अरे कहाँ जाते हो? अरे सुनो, होटल का बिल मेरा। अरे अरे रुको, अरे खाने पीने का भी मैं दे दूंगी। बजे बोला था जल्दी चला। अब ये लड़के ने बगीचे में क्यों बुलाया? और क्या, शमशान में बुलाएगी? तू चल मेरे साथ बस। देख तूने हमेशा मेरी कीमत अठन्नी कम आंकी है, आज मैं दिखाऊंगा मेरी मार्केट वैल्यू। सुना है आजकल छोटी छोटी लड़कियों को हम जैसे बड़े लोग पसंद हैं, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। तुझे यकीन है, है? कहीं वो बाप तो नहीं ढूंढ रही है? अरे लेकिन बाप पे फूल क्यों फेंकेगी? कहाँ वो जालिम, बगीचे में बोला था लेकिन बगीचे में कहाँ? कोई पेड़ नंबर नहीं बताया था? नहीं ना, ये बगीचे इतने बड़े क्यों होते हैं? एक फूल एक फवारा, बात खत्म। इतने तामझाम की क्या जरूरत?
मिल गई भैया। इधर आओ। यस मैडम। ये वही बावला बावर्ची है क्या? हाँ मैडम वही है। ओह सरे बाजार, बिन बादल बरसात, वो भी औरतों के सामने, पकड़ो साले को। जी मैडम। दूसरा साला हरामी भी यही गई होगा। चुप कर। रुक बुड्ढे ठरकी, रुक। कभी रो भी हो। अबे खड़े खड़े। ए चल चल आगे देख। मेरी बात तो सुनो। चल बैठ जा। अरे मैंने किया क्या है? अभी बताते तुमने क्या किया है। अरे उतर ना। अरे उतर जाओ, ये कोई हाथी का अंबारी नहीं कि शान से बैठे रहो। चल। मैं जानबूझकर मॉल से गया था ये देखने कि मेरे गुल होते ही आप क्या गुल खिलाते हैं। ये मेरे बाप दादा के अच्छे कर्म थे कि मुझे कुछ सूझा और पाक तक मैंने आपका पीछा किया, वरना आज एक बाप के हाथों बेटे के संस्कारों की नाक कट जाती। चलो अभी खड़े रहो अंदर। क्या? खोल दरवाजा खोल। क्यों? थाने जाना है? अपने दोस्त के साथ पट्टे की चड्डी में उठक बैठक लगानी है? माँ ने पलक झपकी और बिल्ली ने तोड़ी मटकी। पर मटकी से याद आया, घर में दूध दही मटर पनीर कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तू शाम को खाएगा क्या? अरे इतना बड़ा मुर्गा पिंजरे में बंद है, उसको फ्राई करके खा लूंगा मैं। दरवाजा खोल। आवाज बंद। तो चला जाए यहाँ से। शाम को घर पे आएगा ना तो मैं नहीं मिलूंगा, भाग जाऊंगा पिछले दरवाजे से। ढूंढते रहना। हेलो। हेलो गौरव है? नहीं है। कौन? ओ आप भूल गए, मैं रोज हूँ उसकी क्लासमेट। देखो गुलाबजल, उसने मुझे साफ साफ बताया कि जब वो किताब पढ़ने बाल मंदिर जाता था ना, तब भी उसकी रोज नाम की कोई दोस्त नहीं थी। ओके तो आपने भी मेरे जैसी इसकी भोली सूरत पे भरोसा रख दिया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए। इंजीनियरिंग पूरी होते ही हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बोला पापू से इजाजत लेके शादी करते हैं, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही उसने हमारा रिश्ता भी खत्म कर दिया। नाता ना पता कितना ढूंढा दो तीन सालों से लेकिन कभी नहीं मिला। सुन तू लड़की है ये समझ के तू बोलती गई और मैं सहता गया, लेकिन अभी एक भी लफ्ज अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे ओ कहाँ मर गई है, उठा ले बच्चा रो रहा है, इसके रूह का टाइम हो गया है। अरे तो उसे यहाँ ले आओ ना, दादाजी से बात करानी है। ए, कौन दादाजी? किसका दादाजी? आप दादाजी और मैं आपकी बेटी की बेटी की माँ। आप ही का खून है। अरे हो ही नहीं सकता, ये मेरा खून है, कोई दूध की थैली नहीं है कि कहीं से भी मिल जाए। 3 साल का है मेरा जनार्दन। जनार्दन? कौन जनार्दन? आप ही की बेटी की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे का नाम मेरे बाप से ही होगा। आप जनार्दन रानी ही है ना? देख सुने मैं रख देता हूँ फोन, और तुम्हारे जैसे टेलीफोन के भूतों से मैं नहीं डरता हूँ। ओके तो सबूत भेजती हूँ, कल कुरिया मिलेगा देख लेना। कुरियर? मैं कल आपके बेटे से मिली थी शादी के लिए, जोर देने पैर पकड़ने लगा मेरा, बोला पैसा ले लो प्रॉपर्टी ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। कब से देख रही हो तुम दोनों को, क्या पक रहा है? खानसामा ये है, अपना कुछ नहीं है, मिर्ची काटना मसाला भरना सब कुछ यही कर रही है। यू चीट तो तुझे डकार भरने के लिए रखा है। टीचर मुझे आपको छोड़कर यूएस जाना पड़ा, बोलो किसकी वजह से? अचानक वो क्यों याद आया?
क्योंकि कल मैंने उसे देखा। लकीली उसने मुझे नहीं देखा। अब ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। छोड़ो ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसे लोगों के मुंह लगना मतलब कोयले से कुश्ती करना। वैसे देखा जाए तो उसकी वजह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। यूएस जाके तुम अपने मम्मी पापा के पास रही, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है। दिखो, मेरा भी यही कहना है। चुपका चमची, अंदर जा और अपने होने वाले करोड़पति को रोडपति बनाने का प्लान बना। मालूम है एक तरह का एहसान ही है उसका मुझ पे। फिर भी एक बार, बस एक बार मैं उसे खुद के बाल नोचते हुए देखना चाहती हूँ। वरना लाइफ में एक चींटी हमेशा काटती रहेगी कि मैंने हार मान ली। शिखा, प्लीज 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 ना मत कहना। आपने ना कहा तो मेरे हाथ पैर गल जाएंगे। बस एक बार, एक बार मुझे करने दो, प्लीज प्लीज।